गुड इवनिंग मनीषा, वेलकम टू टैक्स 10। वी विल सी हियर 10 टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे बैक टू बैक। सो लेट्स वी स्टार्ट। जीएसटी एन इशूड Y3 रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग फॉर्म GSTR 1 फॉर द सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। GSTR ने तमिलनाडु के लिए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में जो GSTR 1 फाइल करने का ड्यू डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया है, और वो एक्सटेंशन के लिए GSTR ने एक सर्कुलर भी इशू किया है। ये बिकॉज़ क्योंकि जो 11th डेट था GSTR 1 का और 11th के बाद जिन्होंने फाइल किया है वो उनका ITC GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होएगा, वो 2A में दिखेगा। तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन में बोला है कि जिसका भी बिल है, इनवॉइस है, 2A में दिख रहा है, 2B में नहीं दिख रहा है, तो वो क्रेडिट उसका ले सकते हैं। GSTR रिव्यू फॉर द ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो हॉर्स रेसिंग नॉट ऑन December 17 काउंसिल एजेंडा। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को रिकमेंडेशन दे रहे थे रिवर्क करके, ये लास्ट मीटिंग हुआ था GST काउंसिल का, उसमें भी ये डिस्कशन हुए थे, बट इसको सेट असाइड कर दिया था। और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर उसको डिस्कशन के लिए रखा था एक रिपोर्ट रिकमेंडेशन देने के लिए दूसरा, तो अभी तक वो रिकमेंडेशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का रेडी नहीं हुआ है। तो इसके लिए चांसेस है कि अभी जो GST काउंसिल मीटिंग होने वाला है उसमें इस पे ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो हॉर्स रेसिंग पे GST का रिव्यू नहीं करेगी काउंसिल। CBI अरेस्ट 9 इनकम टैक्स ऑफिसर फॉर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट विदाउट एग्जाम। एक केस रजिस्टर हुआ था 2018 में जिसमें ये एलिगेशन थे कि कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं जो विदाउट पासिंग SSC एग्जाम उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। उन्होंने किसी डमी पर्सन से एग्ज़ाम दिलवाया था और उसके बाद उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिस ज्वाइन किया था। तो ये केसेस में CBIC ने 9 लोगों को पकड़ा है, 9 लोगों को अरेस्ट किया है जो विदाउट पासिंग एग्ज़ाम, बिना एग्ज़ाम देके या फिर जो डमी एग्ज़ाम देके सेलेक्ट हुए थे इनकम टैक्स के अंदर। ये महाराष्ट्र नागपुर से 9 इनकम टैक्स ऑफिसर्स को CBI ने अरेस्ट किया है। CBIC एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 1 फॉर November 2022 इन सर्टेन प्लेस ऑफ तमिलनाडु। जो GSTR 1 का ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड किया है फ्रॉम 11th December टू 13th December। जो GSTR 1 जो फाइल करने थे नवंबर के, वो 11th December तक फाइल करना था, उसको 2 दिन से एक्सटेंड किया 13th December 2022 तक। CBIC नोटिफाई ककरवा एज अ लैंड कस्टम स्टेशन फॉर क्लियरेंस एंड एनी क्लास ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाई लैंड ओमिटेड। CBIC ने ककरवा करके लैंड कस्टम स्टेशन था जहाँ से गुड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किए जा सकते थे, उसको अभी गवर्नमेंट ने ओमिट कर लिया है। जो अर्लियर नोटिफिकेशन था, ओरिजिनल नोटिफिकेशन नंबर 63/1994, जिसको गवर्नमेंट ने अमेंड किया है वाइट नोटिफिकेशन नंबर 107/2022, और इसके थ्रू ये ककरवा लैंड स्टेशन को ओमिट कर लिया है। तो अब से यहाँ पे कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं किए जा सकेगा। पेमेंट रिसीव फ्रॉम फ्रेट लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी अंडर ITA Act 1961। ये ITA न्यू दिल्ली का डिसीजन है इन केस ऑफ मिसेस एक्सपीडिटर्स इंटरनेशनल के केस में। ये डिसीजन आया है कि जो पेमेंट रिसीव होते हैं फ्रॉम फ्रेट लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विस से उसको रॉयल्टी कंसीडर नहीं किया जाएगा। CBDT नोटिफाई रिलैक्सेशन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10F फॉर द नॉन रेसिडेंट। CBDT ने उन टैक्स पेयर्स के लिए, उन नॉन रेसिडेंट के लिए ये ऑनलाइन फाइलिंग एग्जेम्प्ट कर दिया है जिनके पास पैन नहीं है और विदाउट पैन उनको ऑनलाइन फाइलिंग करने में इशू होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जिनका भी, जो भी नॉन रेसिडेंट पर्सन है उनको 10F फॉर्म फाइल करना है और उनके पास पैन नहीं है तो वो March 2023 तक फॉर्म 10F मैनुअली फाइल कर सकते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रिवाइज फिक्स्ड डिपॉजिट रेट ऑफर अप टू 8.25% इंटरेस्ट रेट टू द सीनियर सिटीजन। AU बैंक ने फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट रिवाइज किया है, अप टू 8.25% इंटरेस्ट दे रहे हैं टू द सीनियर सिटीजन। SBI हाइक इंटरेस्ट रेट बाई 65 बेसिक पॉइंट्स ऑफर अप टू 6.75%। SBI ने भी FD का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है 65 बेसिक पॉइंट्स से, और अभी अप टू 6.75 तक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं FD के ऊपर। SBI बोर्ड अप्रूव प्लान टू रेज 10,000 करोड़ वाया
टीयर वन बॉन्ड के थ्रू SBI 10,000 करोड़ रुपी रेज करने वाली है। तो ये थे आज के टेक्स्ट 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।